ये बताओ आपके अब्बा कहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं? हाँ। आपके अब्बा क्या करते हैं? हम मेरे अब्बा है ना, हाँ, बम्बई में जाके सब कुछ बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस। और आपके अब्बा क्या करते हैं? मेरा अब्बा हाँ जॉब करते हैं, सामान ला कर देते हैं। ओके माशाल्लाह, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं। ओके, अलग अलग टाइप। सोचो सोचो। हाँ, आप? मेरे पापा वॉलपेपर का काम करते हैं। नहीं नहीं, क्या करते हैं मत बताओ, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। हाँ, बिजनेस मतलब क्या है? हाँ, बिजनेस मतलब, ओके, बिजनेस मतलब हम लोग जो काम करने जाते हैं ना, वो। ठीक है, अब सोचो ये है आपके अब्बा, एक मिनट, और वो कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं और उनके कोई ना कोई बॉस होते हैं, हाँ, सीनियर होते हैं, बॉस बोलते हैं आप ये करो और वो ये करेंगे, हाँ, वो हाँ, करो वो करेंगे, हाँ, अगर सोचो उनका एक बॉस हो, हाँ, ये बॉस को आप पकड़ो, ये बॉस है, ये आपके अब्बा है या किसी के भी अब्बा, बहुत से लोग हैं, हाँ, उनके एक बॉस हो, ये बेटर है, पकड़ो ये। और दूसरा जो शख्स है ये पकड़ो ये, हाँ पकड़ ली, इसके 10 बॉस है, 10 टेंस, ये भी पकड़ो, ये पकड़ो, हाँ हाँ, एक काम करो, ये 5 बॉस आप संभालो और ये 5 बॉस को मैं संभालता हूँ और ये 10 बॉस उसके सर के ऊपर, हाँ, 10 बॉस। अब आप लोग मुझे सवाल का जवाब बताओ, ये दोनों में कौन ज्यादा खुश होगा, नीचे वाले, वो वाले, आपका बॉस रखो, एक बॉस रखो, वो एक बॉस वाले या 10 बॉस? एक बॉस वाले। ये पूछेंगे नीचे वाले से आपको कौन पसंद है, तो क्या जवाब मिलेगा? वो वाले बॉस। अल्लाह क्यों? सॉरी टुडे। अब ये 10 रंग बिरंगी बॉसेस, एक बोल रहे हैं ऐसा करो, ये काम करो, ये, दूसरे बोलते ये नहीं करो, वो करो, वो, तीसरे बोलते नहीं वो नहीं, वो करो, वो, चौथे बोलते वो करो, पांचवे बोलते वो करो, छठे बोलते वो करो, सातवें बोलते ये करो, आठवें बोलते ये करो, 10 बॉस 10 बात बोल रहे हैं, तो इनका क्या हाल होने वाला है? पागल हो जाएगा हम लोग। पागल भी नहीं तो परेशान, परेशान तो बहुत हो जाएंगे, इनका एक बॉस है, इनको बोले ये करो, ये करना है, वो करो वो करना है, ये करो ये करना है, वो करो वो करना है, इजी। सो इजी। आपको इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है, सुनिए सुनिए, आसमान और जमीन को किसने बनाया? अल्लाह। कौन है हर चीज का मालिक? अल्लाह। कौन है जो आसमान और जमीन में हर चीज को कंट्रोल कर रहा है? अल्लाह। कौन है जिसके हाथ में नेमतें हैं? अल्लाह। कौन है जो आजमाइशें भी देता है? अल्लाह। कौन है जो जिंदगी देता है? अल्लाह। कौन है जो मौत देता है? अल्लाह। कौन है जो बीमारी देता है? अल्लाह। कौन है जो शिफा देता है? अल्लाह। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हाँ। अब यहाँ क्या होता है ना, इंसान कई बार अल्लाह के अलावा औरों की भी इबादत करने लगते हैं। इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह। जब सब कुछ बनाया अल्लाह ने, मालिक अल्लाह है, चलाने वाला अल्लाह है, हाँ, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, जब सब कुछ अल्लाह करने वाला है तो इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की। इबादत भी अल्लाह की होनी चाहिए ना, हाँ, किसी और की होनी चाहिए नहीं। अब लेकिन इंसान जो है ना, अल्लाह के अलावा औरों की भी इबादत करते हैं, तो उनका क्या मामला होता है, कैसा मालूम है? एक की इबादत किए, दूसरे की इबादत किए, तीसरे की इबादत किए, चौथे की इबादत किए, पांचवी की इबादत किए, छठे की इबादत किए, सातवें की इबादत किए, आठवें की इबादत किए, नौवें की इबादत किए, दसवां नाराज हो गया, ग्यारहवें ने काम बिगाड़ दिया। उनको कितना टेंशन होता है ना, 1 2 3 4 इतनों की इबादत करने में कितना टेंशन होता है ना, बहुत। अल्लाह ताला ने अपने सारे नबियों के जरिए, सारे नबियों के जरिए और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सारे इंसानों को बताया कि इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। जब सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा ये करो करेंगे, वो करो करेंगे, ये मत करो नहीं करेंगे, ये चीज मत करो नहीं करेंगे, तो कितना टेंशन है, सिर्फ एक अल्लाह को खुश करना है। लेकिन यहाँ पे तो हर किसी की फिक्र करने में कितना टेंशन हो जाएगा ना, होता है कि नहीं? समझ रहे हैं आप पॉइंट? समझ रहे हैं कि नहीं टेंशन? हाँ, बहुत बड़ा टेंशन है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह की। अच्छा अभी आप लोग जिंदगी, छोटी सी जिंदगी स्टार्ट हुई है, आप लोग थोड़े साल होके हुए, अभी बड़े 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 होते जाओगे, बिग 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 20 इयर्स हो जाओगे, 30 इयर्स हो जाओगे, 40, 50, 60 हो सकता है अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह। तो क्या याद रखेंगे कि आसमान और जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो सारी इबादत किसके लिए? अल्लाह। सूरतुल फातिहा में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन इसका तर्जुमा बताएगा, उसको ये बड़ी वाली बाइक मिलने वाली है। इसका तर्जुमा? आप सवाल ही नहीं सुने ना, आपका मिस हो गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आपने ट्राई किए तो ये छोटा सा स्टार मिलेगा, ट्राई किए, करीब हो करीब, लेकिन परफेक्ट सही जवाब नहीं है। मैं बिग स्टार देने, मतलब अल्लाह नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के इसका तर्जुमा कौन बताएगा? नहीं रुको, तुम्हारा चांस क्या, अभी क्या बोला? अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। छोटा सा स्टार आपको भी मिलेगा क्योंकि आपने ट्राई किए, लेकिन सही तर्जुमा कौन बताएगा इंशाल्लाह? आप बताओगे? यस बताओ। इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद तलब। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। और ये बड़ी वाली बाइक आपको उर्वा को मिल रही है, हाँ? माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ मैं सोच रहा था किसके पास से बड़ी वाली बाइक जाने वाली है, तो उर्वा के पास आ गई। माशाल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अच्छा, तेरी भी या तेरी ही? तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, मतलब अल्लाह ही की इबादत करते हैं, सारी इबादत हमारी अल्लाह के लिए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।